गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं द ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और उसमें हम कवर करेंगे ब्रिटिश किंग के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मेरी आंसर राइटिंग वीडियो में भी बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन लिखना, आफ्टर दैट आप चीज़ें लिखते हो, फिर कॉन्क्लूजन लिखते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो वैसे ही अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसके लिए इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे जब हम ब्रिटिश किंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो सबसे पहले एक पॉलिटिकल थिंकर आते हैं, सर चार्ल्स पेन। उन्होंने कुछ बोला था, वो चीज़ हम देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी पॉलिटिकल थिंकर का अगर आप कोट लिखते हो तो आपका थोड़ा सा जो आंसर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन में अगर आप कोट से स्टार्ट करोगे देन इट विल बी वेरी गुड, ओके। तो सर चार्ल्स पेन क्या बोलते हैं, द क्राउन इज द पाइवेट ऑन विच द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन टर्न्स, ठीक है। क्राउन जो है एक पाइवेट है जिस पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। कौन है? क्राउन जो है वो एक पाइवेट है जिस पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। अब क्राउन क्या होता है वो सब चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे, बट इन्होंने और क्या बोला है पहले वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो बट द क्राउन इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द रूलिंग किंग और क्वीन। बट जो क्राउन है अपन उसको रूलिंग किंग और क्वीन के साथ कन्फ्यूज़ नहीं कर सकते, मतलब हम क्राउन को रूलिंग किंग या क्वीन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने ये चीज़ बोली थी, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत सही बोला है कि जो क्राउन है वो एक पाइवेट है जिस पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि क्राउन जो है एक रूलिंग किंग या क्वीन नहीं है, वो कुछ और है। अब वो क्या है वो चीज़ अब हम डिस्कस करते हैं। अब क्या हुआ करता था एंशियंट टाइम्स में, किंग जो हुआ करता था वो पूरा पावरफुल हुआ करता था, और धीरे धीरे उसकी जो एक्चुअल पावर्स है वो ट्रांसफ़र कर दी गई एक इंस्टीट्यूशन को जिसको बोला जाता है क्राउन। क्या बोला मैंने कि एंशियंट टाइम में किंग जो हुआ करता था ऑल पावरफुल हुआ करता था, बट धीरे धीरे उसकी पावर्स किसको ट्रांसफ़र कर दी गई, एक इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। उसके एक्चुअल पावर्स किसकी, किंग की एक्चुअल पावर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई एक इंस्टीट्यूशन को जिसको बोला जाता है क्राउन। तो क्राउन इज़ बेसिकली अ इंस्टीट्यूशन, क्राउन एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और ऐसे ही दो सेपरेट एंटिटीज़ जो है एग्जिस्टेंस में आई, एक किंग हुआ एंड सेकेंड वन इज़ क्राउन। आप ये जो किंग और क्राउन है इनके बीच में डिफरेंस क्या है, अगर किसी ने पूछ रहा है कि किंग और क्राउन में क्या डिफरेंस है तो आप कैसे बताओगे? सो अगर अपन मॉर्टेलिटी के बेसिस पे देखें तो किंग जो है वो मॉर्टल है, वेरस क्राउन जो है इमॉर्टल है, मतलब जो किंग है वो एक पर्सन है और वो बेसिकली मर सकता है, बट क्राउन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, इसलिए वो कभी भी नहीं मर सकता, ठीक है। तो मॉर्टेलिटी के बेसिस पे हम देखें तो किंग जो इमॉर्टल है बट क्राउन जो है इमॉर्टल है। सेकेंड, क्राउन के पास वास्ट पावर्स है, किसके पास, क्राउन के पास वास्ट पावर्स है, बट किंग जो है वो एक फिगर हेड है, किंग क्या है, एक फिगर हेड है, ओके। और जैसे कि मैंने बोला कि किंग जो है एक पर्सन है एंड क्राउन जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, मतलब हम इसको टच नहीं कर सकते या कुछ ऐसा नहीं है, क्राउन एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है बट किंग जो है वो एक पर्सन, और किंग चाहे तो वो अपनी गद्दी छोड़ सकता है या अपन उसको उसकी गद्दी से हटा सकते हैं, बट क्राउन ऐसा नहीं कर सकता, न तो हम क्राउन को उसकी गद्दी से हटा सकते ना ही वो अपनी गद्दी छोड़ सकता है। तो एक डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या किंग और क्राउन के बीच में डिफरेंस है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया और डिस्टिंक्शन बिटवीन द किंग एंड द क्राउन। सो अगर आप इसको और भी जनरल फॉर्म में और भी बेसिक फॉर्म में समझो तो आप कैसे समझ सकते हो कि क्राउन मतलब क्या होता है हिंदी में, क्राउन मतलब होता है ताज, ठीक है। तो ताज जो है बेसिकली एक पर्सन तो है नहीं, तो वो क्या हो गया, एक इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। वो कभी, ताज जो है कभी भी मर नहीं सकता, वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो गई, हम ऐसे कह सकते हैं। सो इट इज़ अ फन वे ऑफ लर्निंग, बट आप इसमें एग्जैक्ट मत चल जाना, बट ये मैंने एक फ़न वे बताया जिससे आप चीज़ को समझ सकते हो, ओके। तो ये चीज़ थी कि किंग जो है एक पर्सन है बट क्राउन जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, किंग जो है मर सकता है, क्राउन नहीं मर सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने कुछ डिफरेंसेस देखे किंग और क्राउन के बीच में। अब क्राउन की अलग अलग पावर्स भी होगी, ठीक है, तो हम उसके एक एक करके पावर्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी अलग पावर्स होगी, कैसे, मतलब हम उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी पावर्स आएगी, फिर उसके लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी पावर्स आएगी, तो ऐसे कर करके हम चलेंगे, ठीक है। सो अगर हम क्राउन की पावर्स देखें तो क्राउन जो है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, क्राउन एज अ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव कौन होता है, तो एग्जीक्यूटिव वो होता है जो लॉ इम्प्लीमेंट करता है,
ठीक है। और लेजिस्लेचर वो होता है या लेजिस्लेटिव वो होता है जो लॉ बनाता है, दैट मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है दैट इज लेजिस्लेचर, एंड एग्जीक्यूटिव होती है लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है। ओके तो क्राउन की अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर्स देखें तो जो क्राउन होता है ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव होता है ऑफ द स्टेट। हमको ये मेन मेन कीवर्ड्स याद रखना है, वो सब आप अपने आप सेंटेंस फॉर्म कर लोगे। तो हमने क्या बोला कि क्राउन क्या होता है, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट का, और वो क्या देखता है कि सारे जो लॉज है उनका इन्फोर्समेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, जितने भी नेशनल लॉज है उनका इन्फोर्समेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये इन्फोर्समेंट चेक करता है, देखता है कि सारे नेशनल लॉज का इन्फोर्समेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। एन्फोर्समेंट मतलब वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ओके थर्ड ये क्या करता है, अपॉइंट करता है, ये एक और कीवर्ड आ गया, ठीक है। अपॉइंट करता है किन किन को, अपॉइंट करता है हायर एग्जीक्यूटिव को, जुडिशियल ऑफिशियल्स को, एंड ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी नेवी एयरफोर्स, इन सबके ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। तो इसका एक और क्या काम हो गया, अपॉइंटमेंट का काम। तो आप ऐसे सब हैडिंग्स बना के भी लिख सकते हो कि अपॉइंटमेंट, फिर उसके अंदर आप लिख दोगे दैट इट अपॉइंट्स हायर एग्जीक्यूटिव, ऐसे कर करके आप लिख सकते हो। तो ये एक और तरीका हो गया आंसर राइटिंग का। ओके जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सब हेडिंग्स बना के आप लिखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा अच्छा लगता है आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। तो हमने क्या कीवर्ड्स पढ़े अभी तक, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। हमने क्राउन की एग्जीक्यूटिव पावर्स देखी, जिसमें हमने बोला ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव होता है ऑफ द स्टेट। सेकेंड हमने बोला ये देखता है एनफोर्समेंट ऑफ ऑल द नेशनल लॉज, ठीक है, जितने भी नेशनल लॉज है उसका एनफोर्समेंट देखता है। थर्ड हमने बोला ये अपॉइंट करता है किनको, हायर एग्जीक्यूटिव को, जुडिशियल ऑफिशियल्स को, एंड ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, इन सबको अपॉइंट करता है। फोर्थ हम बोलते हैं इट डायरेक्ट्स एंड सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को डायरेक्ट और सुपरवाइज करने का काम किसका है, क्राउन का, ठीक है। तो क्राउन का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, ये डायरेक्ट और सुपरवाइज करता है द वर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी वर्क है उसको डायरेक्ट और सुपरवाइज क्राउन करता है। इट होल्ड्स द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। और क्या फंक्शन है इसका या और क्या पावर है, ये सुप्रीम कमांड होल्ड करता है ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। सो आई होप आपको ये जो पावर्स है वो समझ में आ रही होगी, और मेरे को नहीं लगता कि मुझे नीड है कि इनको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको पढ़ते ही आपको उनका मीनिंग समझ में आ रहा होगा। एंड जो मेरे को लगता है थोड़े से टिपिकल पढ़ रहे हैं या थोड़े से नहीं समझ में आ रहे हैं उनका मैं मीनिंग समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके बट फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी नहीं समझ में आता, हाथों हाथ आप क्या कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो मेरे को, एंड मेरे को पूछ सकते हो कि इस पॉइंट का क्या मतलब होगा। ओके सो हमने क्या पढ़ा कि ये डायरेक्ट और सुपरवाइज करता है एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को। उसके बाद ये क्या करता है, ये कंट्री के फॉरेन रिलेशन को कंडक्ट करता है, कंट्री के फॉरेन रिलेशंस को कंडक्ट करता है, कॉलोनीज और डोमिनियंस के साथ डील करता है, ठीक है। ये वॉर डिक्लेयर कर सकता है, पीस कंक्लूड कर सकता है, मतलब शांति बना सकता है, वॉर डिक्लेयर कर सकता है, और ट्रीटीज बना सकता है फॉरेन पावर्स के साथ, ठीक है। और क्या कर सकता है, ट्रीटीज बना सकता है फॉरेन पावर्स के साथ, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ ट्रीटीज बना सकता है। ट्रीटीज मतलब बेसिकली होता है डील बना सकता है। ओके और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना कि वॉर डिक्लेयर कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बिना परमिशन के ये वॉर डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर, इट कलेक्ट्स एंड स्पेंड्स नेशनल रेवेन्यू। ये नेशनल रेवेन्यू को कलेक्ट करता है और स्पेंड करता है। नेशनल रेवेन्यू मतलब जो भी रेवेन्यू आता है कंट्री में उसको कलेक्ट करने का काम या उसको स्पेंड मतलब खर्च करने का काम किसका है, क्राउन का। रिसीव्स एम्बेसडर्स, किसको रिसीव करता है, एम्बेसडर्स को रिसीव करता है, एंड कौंसिलर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, और जो अदर कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको रिसीव करता है। ओके तो ये थे कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द क्राउन, ठीक है। तो ये पूरे 10 पावर्स हमने लिखी है, तो आप एटलीस्ट 7 to 8 या 6 to 7 पावर्स भी लर्न कर लोगे, ये आपको याद रह जाएगी। तो दैट इज़ मोर देन इनफ, इतनी ज़रूरी नहीं 10 की 10 ही लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है या आपको कितनी याद रह जाती है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप 10 लिख सकते हो, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्राउन जो होता है सुप्रीम एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, स्टेट का। ये देखता है कि एनफोर्समेंट हो रहा है या नहीं हो रहा सारे नेशनल लॉज का। अपॉइंट करता है हायर एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिशियल्स को, ठीक है। डायरेक्ट और सुपरवाइज करता है एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को। सुप्रीम कमांड जो है होल्ड करके रखता है ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। कंट्री के फॉरेन रिलेशंस कंडक्ट करता है, वॉर डिक्लेयर करता है, डील करता है विद कॉलोनीज एंड डोमिनियंस, कलेक्ट और स्पेंड करता है नेशनल रेवेन्यूज, ट्रीटीज करता है विद फॉरेन पावर,
पावर्स एम्बेसडर्स को रिसीव करता है, तो ये सारी जो है पावर्स है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द क्राउन. द क्राउन एज एग्जीक्यूटिव दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द क्राउन. ओके, अब हम देखते हैं उसके लेजिस्लेटिव पावर क्या है, दैट मीन्स द क्राउन एंड लेजिस्लेशन. सो अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ क्राउन. ठीक है, तो क्राउन की लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, लेजिस्लेटिव मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर्स. ठीक है, तो क्राउन के जो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, तो फर्स्ट आती है इट समन्स एंड डिसॉल्व्स पार्लियामेंट. ये समन कर सकता है और डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को. पार्लियामेंट को समन्स एंड डिसॉल्व्स पार्लियामेंट. ठीक है, ये समन कर सकता है एंड डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को. डिसॉल्व कर सकता है एंड समन कर सकता है. समन करना मतलब बुलाना पार्लियामेंट को, ठीक है, एक सेशन के लिए बुलाना, तो वो ये चीज़ कर सकता है. सेकंड, इट कैन इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन बाय क्रिएटिंग न्यू पीयर्स. ये लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है नए पीयर्स को क्रिएट करके. ठीक है, सिंस थर्ड, सिंस पार्लियामेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम, इट हैज ट्रांसफर टू द क्राउन द पावर टू इशू रेगुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स इन काउंसिल और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. क्योंकि पार्लियामेंट के पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो उसने अपनी कुछ पावर्स जो है वो क्राउन को ट्रांसफर कर दी है टू इशू रेगुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब होता है कि जो लेजिस्लेचर होता है बहुत बार उस पर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, तो वो क्या करता है, अपने कुछ पावर्स जो है लॉ मेकिंग पावर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव को दे देता है, मतलब उस इंसान को दे देता है, उस बॉडी को दे देता है जो उसकी सबऑर्डिनेट आती है. ठीक है, तो क्या करता है, कभी कभी अपनी कुछ पावर्स जो है लॉ मेकिंग पावर्स वो एग्जीक्यूटिव को भी दे देता है. ठीक है, तो दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या होता है. नॉट ओनली हियर बट लेकिन आप अगर फ्यूचर में भी देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो इसको अच्छे से समझना. ओके, नेक्स्ट पार्ट आती है इट सेट्स इन मोशन द प्रोसेस थ्रू विच द न्यू HOC इज इलेक्टेड. कि ये एक प्रोसेस बताता है कि कैसे नया HOC जो है वो इलेक्ट होगा, उसका एक प्रोसेस बताता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन गाइड एंड कंट्रोल ऑल दैट पार्लियामेंट डज. ठीक है, कि जो मिनिस्टर्स होते हैं क्राउन के वो क्या करते हैं, गाइड और कंट्रोल करते हैं जो भी पार्लियामेंट करती है उसको. गाइड कौन करते हैं, क्राउन के मिनिस्टर, और कंट्रोल भी कौन करते हैं, क्राउन के मिनिस्टर्स. ठीक है, नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट द रॉयल असेंट. कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता जब तक रॉयल असेंट नहीं मिल जाती उस बिल को. ठीक है, रॉयल असेंट क्या होता है कि जब तक ब्रिटिश किंग या क्वीन की अप्रूवल नहीं मिल जाती उस बिल को, वो जो बिल है वो लॉ नहीं बन सकता. तो दैट इज़ रॉयल असेंट. तो नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट द रॉयल असेंट. सो रॉयल बेसिकली रेफर्स टू ब्रिटिश किंग और क्वीन एंड असेंट रेफर्स टू द अप्रूवल. तो जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाती ब्रिटिश किंग या क्वीन की, कोई भी बिल जो है लॉ नहीं बन सकता. तो ये थी क्राउन की लेजिस्लेटिव पावर्स, जहाँ पे हमने देखा कि ये पार्लियामेंट को समन और डिसॉल्व कर सकता है, लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है. ठीक है, उसके बाद ये क्या कर सकता है, इसने कुछ पावर्स जो है पार्लियामेंट ने कुछ पावर्स क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी थी, तो टू इशू रेगुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. उसके बाद हमने क्या देखा कि जो मिनिस्टर्स से क्राउन की वो गाइड और कंट्रोल करते हैं जो भी पार्लियामेंट करती है उसको, एंड कोई भी बिल जो है लॉ नहीं बन सकता विदाउट द रॉयल असेंट. बिना रॉयल असेंट के कोई भी बिल जो है लॉ नहीं बन सकता. तो ये थी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द क्राउन. अब आता है क्राउन एज द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस. अब क्या आता है, क्राउन एज द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस. अब इसकी कुछ पावर आती है, कैसी पावर्स आती है, ये सब हम पावर्स देख रहे हैं, पहले हमने देखा. तो अब आता है क्राउन एज द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस, तो ये भी इसकी एक पावर है. ठीक है, हमने पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स देखी, उसके बाद हमने लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्कस करी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्राउन एज द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस का देखा जाए तो सबसे मेन हेड है. ठीक है, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं. तो कभी भी अगर आपकी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द पावर्स ऑफ द क्राउन, सो आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ेगा पहले उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स को, आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन हिज लेजिस्लेटिव पावर्स, फिर उसके बाद क्राउन एज द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस. तो ये सब के बारे में आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा. ओके, तो क्राउन एज द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस में फर्स्ट पॉइंट आता है, तो ये क्या करता है क्राउन, ये जजेस को अपॉइंट करता है, बट ये जो क्राउन है ये उन जजेस को रिमूव नहीं कर सकता जब तक दोनों जो हाउस है पार्लियामेंट की, जो दोनों हाउस है उनकी रिक्वेस्ट ना हो तब तक उन जजेस को वो रिमूव नहीं कर सकता. तब तक उन जजेस को वो रिमूव नहीं कर सकता. ठीक है, तो
तो हमने क्या पढ़ा कि ये जजेस को अपॉइंट कर सकता है बट ये रिमूव नहीं कर सकता जब तक दोनों पार्लियामेंट के हाउस की जो है रिक्वेस्ट ना हो, तब तक वो उन जजेस को रिमूव नहीं कर सकता। मतलब अपॉइंट तो कर सकता है बट रिमूव नहीं कर सकता। रिमूव तभी कर सकता है जब दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट के वो दोनों अग्री हो जाए, वो दोनों रिक्वेस्ट करे, तभी वो रिमूव कर सकता है। सेकेंड पार आती है दैट इट एक्सरसाइज द प्रिविलेज ऑफ ग्रांटिंग पार्डन एंड रिप्राइव। अब पार्डन और रिप्राइव क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जब भी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें ये टर्म्स अपन ने ज़रूर सुने होंगे, ठीक है। तो ये पार्डन एंड रिप्राइव क्या होते हैं तो वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। बट उससे पहले ये समझो कि क्राउन के पास क्या है, ये पावर्स है। किसकी पावर्स है? पार्डन और रिप्राइव करने की पावर से, पार्डन और रिप्राइव को एक्सरसाइज करने की पावर से किसके पास है? क्राउन के पास। तो ये जो थी ये दो पावर्स थी, क्राउन एज द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस। अब हम समझते हैं पार्डन और रिप्राइव का क्या मतलब है। सो पार्डन एंड रिप्राइव आर बेसिकली द पार्डनिंग पावर्स। हमारे इंडिया में ये जो पार्डनिंग पावर्स है ये कौन एक्सरसाइज करता है? प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पार्डनिंग पावर्स है जिसमें आती है सबसे फर्स्ट पार्डन। पार्डन मतलब जैसे कि हम नॉर्मल समझते हैं माफ़ी, ठीक है। जैसे अगर कोई कुछ बोलता है और अपन ने नहीं सुना तो हम कहते हैं पार्डन प्लीज़, मतलब सॉरी मैंने नहीं सुना, आप वापस क्या रिपीट कर सकते हैं, वैसा, ठीक है। तो आप इससे याद रख सकते हैं हमेशा के लिए कि पार्डन मतलब क्या होता है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस, ठीक है। ये एक एक्ट है कि किसी को माफ़ी दे देना, ठीक है, मर्सी कर देना उसके ऊपर, थोड़ी दया दिखा देना और उसको माफ़ी दे देना, दैट इज़ पार्डन। एंड रिप्राइव क्या होता है? रिप्राइव मतलब कोई भी सेंटेंस दिया गया है कोर्ट के द्वारा, सपोज स्पेशली डेथ के केस में किसकी डेथ जो है या इसको पनिशमेंट दी जा रही है फांसी की, तो वो लाइक कोई पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर ली उस दिन दी जाएगी, तो सेंटेंस को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रोक देना, दैट इज द पावर ऑफ रिप्राइव, ठीक है। सो दैट वो जो कल्प्रिट है उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए एंड वो मे बी अपने आप को सही प्रूफ कर दे, या मे बी अगर वो गलत ना हो तो अपने आप को सही प्रूफ कर सकता है, तो उसको टाइम मिल जाएगा। तो रिप्राइव मतलब किसी भी सेंटेंस पे टेम्प्रेरी स्टे ले आना। तो ये अपन ने पावर्स कवर की, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड द क्राउन एज द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस। सो अब एक और पार आती है, द क्राउन एज द फाउंटेन ऑफ ऑनर। इन ऑफ ऑनर अब इसमें क्या बोला गया है कि इट बेस्टोस टाइटल्स, ऑनर्स एंड डेकोरेशंस ऑन सच सिटीजंस हु हैव रेंडर्ड मेरिटोरियस सर्विस टू द स्टेट। जो भी सिटीजन जिन्होंने स्टेट के लिए बहुत अच्छे काम करे हैं उनको टाइटल्स दिए जाते हैं, ऑनर्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दी जाती है, तो ये चीज़ इसमें बोली गई है कि ये सब काम भी किसका है? क्राउन का। कि क्राउन क्या करता है? ऑनर करता है, टाइटल्स देता है उन लोगों को जिन्होंने भी अच्छी सर्विस या स्टेट के लिए भला किया है, जिन्होंने भी स्टेट के लिए भला किया है, एक बहुत ही मेरिटोरियस सर्विस दी है टू द स्टेट, तो उनको टाइटल्स और ऑनर्स दिए जाते हैं, ओके। सो ये थी पावर्स ऑफ द क्राउन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे जो क्राउन की पावर्स है वो एक्सरसाइज की जाती है, क्या सब होता है, तो वो सब चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट पार्ट। एंड या अगर आपको फिर भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। सो या एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके। सो या बाय, टेक केयर।